जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो कि अफगानिस्तान की जो हाई काउंसिल है नेशनल रिकन्सिलिएशन के, उसके चेयरमैन हैं, वो आज पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अमन के अमल को आगे बढ़ाने में जो किरदार अदा किया है, आज दुनिया उसको सराह रही है। और आज जो मेरी मुफस्सल गुफ्तगू हुई उस पे अफगानिस्तान का वफद भी उस पर शुक्रगुजार दिखाई दे रहा है। मैंने उनसे कहा कि ये एक तारीखी मौका है जो आज मुयस्सर आया है। दोहा का जो एग्रीमेंट हुआ था 29 फरवरी को, उसमें मैं खुद शामिल था। 12 सितंबर को जो आपका इंट्रा अफगान डायलॉग जिसका आगाज़ हुआ, उसमें आप खुद तशरीफ ले गए। तो ये एक सुनहरी मौका है मामलात को आगे बढ़ाने का। पाकिस्तान मुसलसल कहता चला आया है कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, एक पॉलिटिकल सेटलमेंट दरकार है, और ये हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। अब आपको आगे बढ़ना है और अपना किरदार अदा करना है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें आप कामयाब होंगे। हम जो सहूलतकारी कर सकते हैं, हमने माजी में भी की है और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। आज खुशी की बात यह है कि दुनिया भी इसको रिकग्नाइज़ कर रही है और पाकिस्तान भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के जितने इदारे हैं, सिविल मिलिट्री, सब एक पेज पे हैं, और पाकिस्तान अफगानिस्तान की इस्तेकाम में, खुशहाली में, खुद मुख्तारी में और यकजहती में, हाँ, हम समझते हैं कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उससे मुंसलिक है। अफगानिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा, हमारी तिजारत बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, और हम उस नए माहौल को पैदा करना चाहते हैं। मेरी कोशिश ये है, ये जो हमने जो विज़िट उनका बनाया है, वो इतना हमने उसको इस तरह प्लान किया है कि मुराद ये है कि इससे एक नए बाब का आगाज़ हो, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज़ हो, माहौल बेहतर है। हम चाहेंगे कि जो वहाँ वायलेंस है, जो तशद्दुद है, उसमें कमी वाकई हो, और न सिर्फ कमी हो बल्कि वो सीज़ फायर की तरफ आगे बढ़े। और दोनों फरीक इसी कमरे में, आज जहाँ मेरी डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला से बात हो रही थी, इसी कमरे में तालिबान के पॉलिटिकल कमीशन से मुज़ाकरात हुए, और उनसे भी मेरा यही पैगाम था कि आइए आगे बढ़ें। ये आपका मुल्क है और इस मुल्क का, अपने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला आपने करना है, हम नहीं कर सकते। हम दुआगो हैं, हम मददगार हैं, हम सहूलतकार हैं, फैसले आपने करने हैं। इंशाल्लाह हमें आप अपने साथ पाएंगे। जब अफगानिस्तान में अमन होगा तो नए रास्ते खुलेंगे, रीजनल कनेक्टिविटी के रास्ते खुलेंगे, बायलैटरल ट्रेड के रास्ते खुलेंगे, और आज हमने तय किया है कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में रजाक दाऊद साहब जो हमारे एडवाइज़र हैं कॉमर्स के, वो काबुल जाएंगे, और वहाँ जो हमारी दो तरफ़ा तजारत है और जो रीजनल कनेक्टिविटी के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। अभी 31 अगस्त को फॉरेन सेक्रेटरी तशरीफ ले गए थे, और जो हमारा एपेक्स का दूसरा राउंड है उसकी मीटिंग मुकम्मल हुई है। एक माहौल बन रहा है, एहसासगार माहौल बन रहा है, और इस माहौल के अंदर डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला का, पाकिस्तान का ये विज़िट मेरी नज़र में अहमियत रखता है। मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है कि हम आगे बढ़ें और अफगानिस्तान के साथ एक देरपा ताल्लुकात की बुनियाद रखें। आज आज की नशस्त में मैंने स्पॉयलर्स का जिक्र किया और मैंने कहा कि मत भूलिए और नज़र रखिए उन कुवतों पर जो नहीं चाहेंगे कि ये मामला आगे बढ़े। उनकी राय ये थी, डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला की, कि अफगानिस्तान की अक्सरियत, वाज़ अक्सरियत की ख्वाहिश है कि अमन का अमल आगे बढ़े। हाँ, कुछ लोग होंगे जो नहीं चाहेंगे, हमने भी नज़र रखनी है और वो भी नज़र रखेंगे, और मिलकर हमने उनके अजायम को शिकस्त देनी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन जो है वो पहली इकाई है, तो आज
माशी हालात को फोकस रखते हुए दो दफा तालुकात में मजीद बेहतरी आ सके। यकीनन, देखिए हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे पास तिजारत की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे मैंने पहले कहा, कासा 1000 है, टापी गैस पाइपलाइन है, अफगानिस्तान में अमन मुमकिन होगा तो ये प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ पाएंगे, उसके बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है। हमारी कोशिश है कि अगर अफगानिस्तान ने भी सेंट्रल एशिया के साथ अपने ताल्लुकात और अपनी तिजारत में वसत वो हासिल करना चाहते हैं तो रीजनल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं, रोड प्रोजेक्ट्स हैं, रेल प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अमल जिसका आगाज़ हुआ है दोहास में, उसको अपने मंत की अंजाम को पहुँचना चाहिए।